You're watching Newstainment Television. अजी, यू हैव कम अ लॉन्ग वे. आप और कपिल शर्मा वगैरह ने इकट्ठे निकले थे अमृतसर से. हाउ डू यू सी योर जर्नी नाउ? प्रोजेक्ट तो पिक्चर आ रही है आपकी अभी. जब हम कॉलेज में काम करते थे तब भी हमारी जर्नी अलग अलग थी. काम इकट्ठे करते थे, एक ही काम करते थे, सबसे बड़ी बात है. लेकिन जो करते थे, जैसे मैं थिएटर करता था, सीरियस, कपिल का सिंगिंग में बहुत शौक था, मेरा एक्टिंग में बहुत शौक था, लेकिन की क्या, कॉमेडी. जैसे चंदन था तो उसका ना मिमिक्री में शौक था, लेकिन करी क्या, तीनों ने आके स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ पे आके. अब वो जर्नी हम करते 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 यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आगे पर सफ़र देखिए. अब कपिल को लोग एज ए सिंगर भी जानते हैं, सबसे अच्छी बात है कि जो उसका मन का शौक था, लोग उसको उससे भी रिकग्नाइज करते. कॉमेडी में तो उसने जो फाड़ना था फाड़ दिया. True. ना कोई मतलब आया था, मुझे लग रहा ना कोई अभी आने के मुझे आसार ना दिख रहे हैं उसके जैसा. तो वो उसकी जर्नी जो एक इनकम्प्लीट लग रही थी, बहुत जल्दी उसका गाना भी आएगा तो आपको पता चलेगा वो उस जर्नी पे भी खुश है. सेम विद चंदन. अब चंदन बेसिकली तब जब मिमिक्री करता था तो उसका राइटिंग का कीड़ा भी बहुत था, तो अभी वो भी करनी शुरू कर दी उसने. मेरा एक्टिंग का बहुत था. तो अब वो जो जर्नी हम इकट्ठे करते करते आए, लेकिन आप देखिए साथ में चलते चलते हम अपने जो माइलस्टोन थे उस तरफ भी कदम बढ़ा रहे साथ साथ. ये तीन इडियट्स में आमिर खान कौन था? तीन इडियट्स में आमिर खान था ही कोई नहीं. और ना मैं तो तीनों ये अलग इडियट है, वो वाले इडियट है ही नहीं. अच्छा. ये तीनों सच में इडियट थे. लेकिन काम धंधे में कहें तो शायद वो मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि मैं दुकान वुकान पे था. तो ये लोग तो सच में मतलब वो होता ना कि हुड़दंग मचाने वाले. मैं बड़ा कट्टू कटाता था, लेकिन टचवुड उतनी अच्छी दोस्ती हमारी कॉलेज में नहीं थी जितनी यहाँ पर आई है, वरना अच्छी दोस्तियाँ यहाँ आके ख़राब हो जाती. तो हमारी वहाँ की दोस्ती यहाँ आके और निखर गई. इसका राज क्या है? How do you see that? मुझे लगता है यूजुअली मुंबई में आके कट थ्रोट हो जाता है. लाइन भी एक ही ना, सेम काम कर रहे हैं. तो आप सोचो हम 7 साल कम्पीट ही करते रहे. लाफ्टर चैलेंज शुरू हो गए कॉमेडी सर्कस तक, कंपटीशन ही करते रहे. लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो हम मतलब अच्छे दोस्त, शायद इसलिए कि हम एक दूसरे को सक्सेस होते देख के खुश हैं. तो शायद वो सबसे बड़ा रीज़न है. यू एंड कपिल शर्मा एक अलग रिलेशन है आप लोगों का, चाहे ऑन स्टेज हो, यू आप जैसे मजाक उड़ाते हैं, आपकी ज़्यादा मजाक उड़ती है स्पेशली. हाउ डू यू सी दैट, एंड आपकी दोस्ती के बाद कैसे देखते हैं यू एंड कपिल शर्मा स्पेसिफिकली? देखिए मजाक हम बराबर ही उड़ाते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि कमरे में बराबर उड़ाते हैं. लेकिन जब स्टेज पर आता है तो कपिल का स्टेज पर मैजिक कुछ अलग है. वो जो उसको इम्प्रॉम्प्टो आते हैं ना फिर, तो वो बड़े भयंकर आते हैं. और ये दोस्ती ही है कि वो जो अपना वो सब फ्लेवर है वो मेरे साथ या चंदन के साथ ही दे पाता था, है ना. तो वो वही दे रहा है. True. कि मैं तुम्हारे सामने बोल सकता हूँ यार, बाकियों को मुझे लोग अनबिलीवेबल लगेगा. अगर True. मैं मतलब कृष्णा, सुदेश जी या सुनील ग्रोवर या कीकू या किसी और के साथ वो बोलने की कोशिश करूँगा ना, तो वो रियल सा नहीं लगेगा. तो उसकी बात सही है, क्योंकि लोगों को पता है हम हैं तो लोग मानते हैं. तो वो हमारा, और कभी कभी जब हम भी बोल देते हैं तो हम ही हैं जो कपिल को ऐसा बोल सकते हैं. तो वो भी ले लेता है. आप देखेंगे कि खुश होता है, सामने से आगे मेरे को फ्रूट देता, वाह वाह ये बात तुमने बड़ी अच्छी करी. बात अभी लास्ट एपिसोड तो बड़ा अच्छा लगा. स्टेज पे एक बात हुई कोई, तो मैंने बोल दिया कुछ सामने से, तो ये बड़ा खुश हुआ. कहता ये ले, कहता वो ड्रैगन फ्रूट था तो हमने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हुआ. कहता ये ले ये फ्रूट, तेरा जब से अच्छा वो रिश्तेदार जिसको समझ में आ जाए, जो अमीर हो, तो उससे कटवा के खा. तो मैंने पलट के बोला, मैंने कहा ये ले भाई, तेरे से ज़्यादा अमीर तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं. तो ये मस्ती हम ही कर सकते हैं ना. राइट. सो तो यही कपिल शर्मा का कंफर्ट लेवल विद यू, ताकि कंफर्ट लेवल ये शायद पब्लिक को इसीलिए मतलब मैं बोल रहा था अभी भी कि मैंने टीवी से 3-4 साल कम काम किया था, कि मैं थोड़ा फिल्मों की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें कोशिश कर रहा था. लेकिन जब मैं टीवी पे वापसी की है, और थैंक्स टू द कपिल शर्मा टीम जिन्होंने मुझे अच्छे से एक स्पेस दी शो में, तो लोगों ने उतना प्यार दिया और उतना ही प्यार कर रहे हैं. और कपिल के साथ केमिस्ट्री भी उतनी पसंद आ रही है. जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब वो कुछ हुआ मतलब मैं गायब हुआ ही नहीं था बीच में से, तो लोगों को वैसे ही लग रहा है कि ये तो वही है. इनफैक्ट आप दोनों की जो कमेंट्री है, जो केमिस्ट्री है, आई एम श्योर आप लोग जब स्क्रिप्ट लिखते हैं वो भूल जाते होंगे. कहीं डाइवर्ट बहुत बार होता है स्टेज पे, और दिखता भी है. मेरे और कपिल का तो स्टेज में बहुत होता है कि अगर 2.5 पेज की स्क्रिप्ट लेके गया हूँ तो मैं 4 ही बोल के आते हैं हम लोग, तो वैसे वाली है. कमिंग बैक टू द फिल्म, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है फिल्म से? हैज कपिल शर्मा सीन द मूवी?
नहीं अभी उसने नहीं देखी, ये फिल्म नहीं देखी, लेकिन ट्रेलर देखा तो मैं वही कह रहा था कि 15-20 साल से हम उन लोगों के साथ कॉमेडी कर रहे हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, तो मैंने सबको ट्रेलर भेजा था, तो सबका फीडबैक बहुत अच्छा आया है और सब ने आप देखेंगे शेयर भी किया, प्रमोट भी किया, इसीलिए किया क्योंकि अच्छा लगा उनको। तो मेरी तो मैं सच बोलूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में ये आयुष्मान खुराना जोन खोले कि वहाँ पर जो एक वो कमी थी, एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज की स्टोरीज नहीं आ रही वहाँ पर, वहाँ पर गांव की स्टोरीज ज़्यादा आती हैं, रीजन की स्टोरीज ज़्यादा आती हैं, तो मुझे लगता है ये वो फिल्म खोलेगी रास्ते वो वाले। और ये फिल्म जो तो मेरे लिए देखने आएंगे निराश होकर नहीं जाएंगे, और जो भी देखने आएगा इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग जाने वाला है, क्योंकि फिल्म सच में बहुत अच्छी बन पड़ी। अब मैं एक ही बात कहता हूँ, जब मैंने स्क्रिप्ट में ऐड करने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब बहुत अच्छी लिखी हुई थी फिल्म। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द इन्वेस्टमेंट, ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच।